60 hours to glory. चौथे बैन अलावामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के रनर्स अप, रेडी आए रेडी, हरदम तैयार, गुजरावाला सरफरोश की टीम सिल्वर मेडल्स हासिल करते हुए। और इन मुकाबलों की फातेह टीम, जिन्होंने हर मुकाबले में अपना सिक्का जमाया, गोल्ड मेडल्स हासिल करते हुए द अनबीटेबल्स मुल्तान चार्जिंग बुल्स। बैन अलावामी टीमों में गोल्ड मेडलिस्ट, खतरनाक हरीफ और बहादुरों की सरजमीन टीम उज़्बेकिस्तान। मुकाबले खत्म हो चुके हैं, टीमें जो हैं वो पोडियम पे जा चुकी हैं। मुल्तान चार्जिंग बुल्स को गोल्ड मेडल मिल चुका है, गुजरांवाला सरफरोश ने सरप्राइज किया है विद अ सिल्वर मेडल एंड टीम उज़्बेकिस्तान आल्सो वॉक्स अवे विद अ गोल्ड मेडल। इसके साथ साथ खबर ऑफ कोर्स ये है कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स विल नाउ रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द कैमरियन पेट्रोल इन ब्रिटेन, सो बेस्ट लक टू द चार्जिंग बुल्स। जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक, जान से प्यारी है हमको इसकी खाक, आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए ताबनाक, अपनी मुल्क को कौम के निगेबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, अपने मुल्क को कौम के निगेबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। 60 आवर्स टू ग्लोरी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं ऑन 60 आवर्स टू ग्लोरी। चौथे बैनर अक्वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले अपने अख्तिताम को आ पहुंचे हैं। पिछले एडिशन में हमने आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी दिखाई, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे सिल्वर मेडलिस्ट टीम से। गुजरांवाला सरफरोश स्टूडियो में मौजूद है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मौजूद टीम के कप्तान कैप्टन मजहर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियो। उनके साथ हैं लांस हवलदार रसूल बख्श, उनके साथ नायक आसिम, उनके साथ नायक जमील, इस तरफ मेरे साथ हैं हवलदार फरहत, नायक बासित, लांस नायक रमीज और नायक वक्कास। दोस्तों ये हैं हमारी धरती के शेर, ये हैं हमारी धरती के दलेर, ये हैं हमारी धरती के मुहाफिज। और मेरे लिए आज ये बहुत फख्र की और बहुत ऑनर की बात है कि मैं स्टूडियो इन शेरों के साथ, इन दलेरों के साथ शेयर कर रहा हूं। इससे पहले कि हम अपना सिलसिला आगे लेकर चलें, आइए चल के नजर डालते हैं गुजरांवाला सरफरोश की टीम के इस मुकम्मल सफर पे।
आपने देखा इंसानी कुव्वत बर्दाश्त का भरपूर इम्तिहान, फौजी सलाहियत का भरपूर इम्तिहान देती हुई ये टीमें यहां तक पहुंची हैं। और इस वक्त सिल्वर मेडलिस्ट गुजरांवाला सरफरोश, उनकी जर्नी आपने देखी, मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला सरफरोश के कप्तान कैप्टन मजर, वेलकम टू द स्टूडियो। इतना बड़ा मुकाबला, इतना बड़ा इवेंट, इसकी तैयारी कैसे की और क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेटेड रखा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। आर्मी लेवल कॉम्पिटिशन से पहले हमें फॉर्मेशन और रीजनल लेवल के कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल हासिल करना होता है। चूँकि रीजनल लेवल और फॉर्मेशन लेवल मुकाबले इलाकाई सतह के होते हैं तो हमें टेरेन का अंदाज़ा होता है और उसके मुताबिक तैयारी की जाती है, लेकिन आर्मी लेवल मुकाबलों के लिए आखिरी हद तक हमें इलाके का इल्म नहीं होता, तो हर एक्सपेक्टेड इलाके के मुनासबत से उसकी तैयारी कठिन से कठिन की जाती है ताकि हमें मुकाबला किसी भी टेरेन में हो तो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मैं अपनी मोटिवेशन का जिक्र करना चाहूँगा कि हमने अपनी टीम का नाम मेजर तारिक अनीस शहीद के नाम से मंसूब करके तारिक पेट्रोल रखा था। मेजर तारिक अनीस शहीद, जिनका ताल्लुक मेरी यूनिट से है, वो 2007 में ऑपरेशन अल मिज़ान के दौरान मीरान शाह में दुश्मन की आईडी से शहीद हुए थे। वो ख़ुद एक शहीद के बेटे हैं। मेजर अनीस शहीद 1971 की इंडो पाक वार के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लाइक फादर लाइक सन की कुर्बानी की ये अजीम मिसाल पाक फ़ौज में एक दरख्शां बाप की हैसियत रखती है। चूँकि हमारा नाम शहीदों के नाम से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का ज़रिया भी है और मशले रहा भी। क्या बात है, तारिक पेट्रोल गुजरांवाला सरफरोश, ये जो आपने जिक्र किया, जो बात की, यही सिर्फ हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि कितना आप लोग इस चीज़ में प्राइड महसूस करते हैं कि जो शहीद था, शहीद का बेटा, वो भी शहादत का जाम नोश करके अपने मुल्क की खिदमत करके चला गया। और मैं दोस्तों एक बात कहता हूँ, एक बार फिर कहता चलूँगा कि ये जो आज़ादी है इसके पीछे बहुत सारी ये कुर्बानियाँ हैं, इन कुर्बानियों का नतीजा है कि हम ये आज़ाद मीडिया और आज़ाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। वापस आते हैं हम पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों के हवाले से। ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से ट्रेनिंग मुतासिर हुई हो, जिससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आया हो टीम के ऊपर? क्योंकि आप सबको पहले से इल्म है कि टीम में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो पेट्रोल लीडर होता है। इससे पहले मेरी टीम के पेट्रोल लीडर लेफ्टिनेंट उस्मान थे। फॉर्मेशन लेवल के मुकाबलों में उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया मुकाबले के दौरान, तो आर्मी लेवल का कंपटीशन सर पे था और उनकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल थी, तो मेरी टीम ने ये फैसला किया कि मुझे बतौर पेट्रोल लीडर नामज़द किया जाए। ये टीम के लिए एक मुश्किल मरहला था, लेकिन महदूद वक्त में मैंने भरपूर मेहनत करके टीम के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को मैच किया और अपनी लीडरशिप मनवाई। क्या बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन लेफ्टिनेंट उस्मान का आपने बताया कि जो आपके लोकल मुकाबले हो रहे थे उसमें उनका पांव टूट गया। बिल्कुल, किस तरह हुआ था, क्या थोड़ी डिटेल बताना पसंद करेंगे? चूँकि ये एक सर्दियों में मुकाबला हो रहा था और धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलाका थोड़ा मुश्किल था, तो रात की तारीखी में वो जब चल रहे थे तो उन्हें रास्ते का अंदाज़ा नहीं हो सका। इस दौरान नेविगेशन के दौरान जब वापस आ रहे थे, मुकाबला इख्तिताम की तरफ जा रहा था, तो उनका पांव फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसी टूटे हुए पांव के साथ केयूएलटी भी भागी 10 किलोमीटर, वो केयूएलटी और आखिर में उन्होंने वाटर ऑब्स्टिकल रैपलिंग करके उसी टूटे हुए पांव के साथ टीम को हारने नहीं दिया और अपनी जो मुश्किल थी, जो अपनी तकलीफ थी, उसको बर्दाश्त किया और फिनिश लाइन तक टीम को पहुंचाया। वेल डन लेफ्टिनेंट उस्मान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप टीम के साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन आपकी टीम वाज़े तौर पे आपको भूली नहीं है और आपकी कोशिशों को जो है भरपूर तरीके से यहाँ पे सराहा जा रहा है। और दोस्तों आप सबको ये बताता चलूँ कि ये इतनी संजीदा नौइयत के मुकाबले होते हैं कि जहाँ पर चोट भी बहुत संजीदा नौइयत की ही लगती है, जिस तरह के आप लोगों ने भी देखा अपने टेलीविजन की स्क्रीन पे कि ड्यूरिंग द फोर्थ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले में क्या कुछ होता रहा, बट दिस इज हाउ सीरियस द मैटर इज। अच्छा मजर, ये बताइए कि आप लोगों की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जिस तरह आपके सारे जो टीम मेंबर्स हैं, ये किस तरह सेलेक्ट होते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह टीम इकट्ठा की जाती है? सबसे पहले हम अपनी यूनिट में देखते हैं कि जो लोग जिन्होंने कोर्सेज अच्छे किए होते हैं, जो जिस्मानी लिहाज से और जहनी लिहाज से फिट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है,
डिफरेंट ट्रायल्स और मुश्किल प्रोसेस से गुजारने के बाद टीम को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मज़ीद, और आखिर में उनके इंडिविजुअल बॉन्डिंग्स को भी देखा जाता है कि वो किस तरह मुकाबले में आया परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी जहनी कैपेबिलिटी किस लिहाज से है, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग किस लिहाज से है, ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन या किसी भी हालात का सामना उन्हें करना पड़े तो वो उसमें फिट बैठें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मतलब बकायदा एक पूरा तौर तरीका है बंदे सेलेक्ट करने का। वैसे आपस की बात है, मैं अभी तक जो हूँ वो लांस हवलदार रसूल बख्श की मूछ से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। ऐसी ख़तरनाक मूछ है कि दुश्मन को वैसे ही टेंशन हो जाए देख के कि ये बंदा, और देखें सीरियस अभी तभी बड़े शदीद सीरियस बैठे हुए हैं और फाइनली मुस्कुरा दिए हैं। आपको मुस्कुराना भी चाहिए, हमें बड़ा फ़ख्र है आपकी सारी कारकर्दगी के ऊपर। अच्छा हवलदार फरहत, ये बताइए कि क्या आपकी टीम ने पहले इन मुकाबलों में हिस्सा लिया हुआ है और किस टीम से आप उम्मीद कर रहे थे आपका टाकरा होगा सही मायनों में? जी बिल्कुल, आर्मी लेवल से पहले हम कई बार रीजनल और फॉर्मेशन लेवल पर मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन आर्मी लेवल पर हमने पहली मरतबा हिस्सा लिया। ओके। जब हम मुकाबले के लिए आ रहे थे तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा मुल्तान चार्जिंग बुल्स और क्वेटा हिंगोरियन से था, क्योंकि मुल्तान चार्जिंग बुल्स की एक हिस्ट्री थी कि वो 2010 में कैमरीन में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, जबकि क्वेटा हिंगोरियन हमारे साथ एक ही फॉर्मेशन में एक ही जगह पर रह चुके थे। उनका हमें पता था कि उनकी टीम काफ़ी अच्छी है और इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। एक दूसरे पे जासूसी करते थे टीमें ट्रेनिंग के दौरान? जी सर, नज़र रखते थे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बिल्कुल सर, इसी तरह। ज़बरदस्त है, तो बहुत अच्छा है जो है। अच्छा नाइक वकास, ये बताइए कि जब आप असेंबली एरिया में जा रहे थे, एंटर हो रहे थे, पहला दिन था, मुकाबला शुरू हो रहा था, तो क्या जज्बात थे आपके? असेंबली एरिया में दाखिल होते वक्त हमारे हौसले बहुत बुलंद थे। हमारी पेट्रोल का नाम तारक पेट्रोल है और सबसे पहले हमने मेजर अनीस शहीद और उनके बेटे मेजर तारक अनीस शहीद की शहादतों को, शहादत की कुर्बानियों को दिल में रखते हुए ये दुआ की कि हम इनका नाम की लाज रखेंगे और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आई कैन सी दैट मोटिवेशन। मैं समझ गया हूँ कि गुजरांवाला सरफरोश किस तरह इस मुकाबले में गए। जिस तरह आपने पहले बयान किया, फिर अब दोबारा उन्होंने इस बात को दोबारा तारिक पेट्रोल का जिक्र किया, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा इवेंट जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया हो? जी, दो बार ऐसा मकाम आया इस मुकाबले के दौरान जब हमें लगा कि ये चीज़ हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करेगी। सबसे पहले तो असेंबली एरिया के टेस्ट हमारे कुछ अच्छे नहीं हुए थे तो हम एक खातिर खा तरीके से मुकाबले का आगाज़ नहीं कर पाए, और दूसरी बार जब हम चेक पॉइंट 2 की तरफ इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे तो हम थोड़ा सा रास्ते से डी ट्रैक हुए, तो उस लम्हे हमें महसूस हुआ कि शायद हम मुकाबले में पीछे रह जाएं, बट हमने अपनी एनर्जीज़ को गैदर किया, अपने मोराल को हाई किया और उसी लगन से हमने कम बैक करने की कोशिश की जो कि इस एसेंस है इस मुकाबले का। लांस हवलदार रसूल बख्श, क्या ज़बरदस्त मूछ है आपकी। वो इतने सीरियस रहते हैं, मुझे सवाल पूछते हुए भी जो ना टेंशन में आ जाता हूँ मैं। ये मुस्कुराएं, सिल्वर मेडल हासिल किया है यार, बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं, जब ट्रेनिंग इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है, इतने मुश्किल मुकाबले की ट्रेनिंग भी उतनी मुश्किल है, तो जब बिल्कुल थक जाते थे तो किस तरह अपने आप को दोबारा उठाते थे? जी फकर भाई, जब ट्रेनिंग के दौरान हम थक जाते थे तो किसी एक जगह पर बैठ जाते थे और उसके दौरान हम गपशप लगाते थे, तो गपशप के दौरान सिपाही रमीज़ ज़्यादा छेड़छाड़ी करता था और मेरा नाम जो टीम में रखा था वो इंस्पेक्टर चीगम, और इस नाम से मुझे पुकारा जाता टीम में, और हम मजाक करते थे, आपस में गपशप लगाते थे, तो मज़ाया और हंसी के दौरान हमने जो ट्रेनिंग में गलतियां की होती थी उसकी दोबारा निशानदगी करते थे और इस तरह हमें अपनी असलाह भी मिलती थी और दोबारा हम फ्रेश हो जाते थे और अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू कर देते। ज़बरदस्त, लांस नायक रमीज इंस्पेक्टर चुविंगम, इतने घबरू जवान का हमारे आपने इंस्पेक्टर चुविंगम नाम कैसे रखा है, नाम कैसे आया, इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी? कौम जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। बिल्कुल सर, इसका मैं बताऊंगा। इसका नाम हमने इंस्पेक्टर चुविंगम इसलिए रखा है कि ये हमारी टीम में एक तो सबसे पुराना बंदा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिट में टीम स्पिरिट की बुनियाद रखने वाला बंदा यही है। अरे वाह, क्योंकि ये 2010 से टीम स्पिरिट मतलब खेल रहा है लगातार। वाह वाह, और आखिरकार अल्लाह ताला ने इसको इसकी मेहनत का सिला दिया और हमें इसके साथ इस लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन नाम इंस्पेक्टर चुविंगम कैसे पड़ा? नाम सर इसका इंस्पेक्टर चुविंगम इसलिए हमने रखा है कि हमारी जो टीम है इसमें अगर कोई भी छोटा सा भी मसला होता है तो हमारे लिए फौरन भाग दौड़ करता है। शाबाश रमीज भाई, जबरदस्त।
इंस्पेक्टर च्युइंगम, बुनियादी तौर पे च्युइंगम चिपका के रखती है ना, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये बोला है कि आपने पूरी टीम को जोड़ के रखा, चिपका के रखा, इसलिए इंस्पेक्टर च्युइंगम आपका नाम रखा। जबरदस्त मूछ लेकिन आपकी कमाल की। वापस आते हैं, ये बताइए मजहर कि आपकी टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? मेरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नेविगेशन था, क्योंकि हमने इस मुकाबले में नेविगेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। इसका क्रेडिट मैं अपनी नेविगेशन पार्टी को दूंगा, जिसमें मेरा नेविगेटर लांस हवलदार रसूल बख्श और स्काउट नायक आसिम भट्ट शामिल हैं। इन्होंने बहुत अच्छी नेविगेशन की और हमें बिल्कुल सही सिमत में इस पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान बस एक जगह हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि हमारे ओवरऑल कॉम्पिटिशन पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। बहरहाल मुश्किल और कठिन रास्ते में इनके जो स्किल्स काम आई वो हमारी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम सिल्वर मेडल हासिल कर पाए। वेल डन दोस्तों, स्टूडियो में मौजूद सिल्वर मेडलिस्ट फोर्थ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में गुजरांवाला सरफरोश, और मजीद बातचीत करेंगे मगर इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक दोस्तों, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी। चौथे बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले अपने इख्तिताम को आप पहुंचे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद सिल्वर मेडलिस्ट गुजरांवाला सरफरोश। ब्रेक में जाने से पहले हमें टीम कैप्टन मजहर बता रहे थे कि इनकी टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नेविगेशन था, और नेविगेशन में इन्होंने बहुत से पॉइंट स्कोर किए, और उसका क्रेडिट जो है उन्होंने दिया नायक आसिम भट्ट को। नायक आसिम भट्ट, ये बताइए कि ये नेविगेशन का हुनर, इस पर आपको इतना अबूर हासिल है, कैसे सीखा, क्या खसूसियत है इसमें आपकी? फ़खर भाई, नेविगेशन एक मुश्किल काम है, मगर मसलसल इसकी प्रैक्टिस से इस पर अबूर हासिल किया जा सकता है। ना सिर्फ मुझे नेविगेशन का शौक़ है, बल्कि फॉर्मेशन लेवल पे कई मुकाबलों में नेविगेशन के मैंने हिस्सा लिया हुआ है। यही वजह है कि नेविगेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मैंने नेविगेशन के कई कोर्स भी किए हुए हैं, जिनका हर जगह पर नेविगेशन के दौरान मुझे फ़ायदा मिलता रहता है। ये ज़बरदस्त यार, कोई हमें भी कोई चीज़ बेसिक चीज़ बताएं ज़रा, लोगों को समझ में आए कि क्या मुश्किल तरीन चीज़ होती है नेविगेशन के अंदर, जिसको अगर जिस पे अबूर हासिल कर लिया जाए तो बंदा अपना रास्ता कभी नहीं खो सकता। बहुत सारे जो घर से मर्द निकलते हैं, उनकी बेगमात ये चाहती हैं कि उनको पता हो कि घर का रास्ता वापसी का कैसे होता है पता। कोई शॉर्टकट बता दीजिए हमें, कोई हिंट दे दीजिए आप इसके लिए। तो उसको रहा रहे हल्का हल्का, यूं लग रहा है घर से आप पे भी कुछ ऐसा ही प्रेशर है, घर वापस आ जाया कर सीधे रास्ते से। घर में तो जाना हो बंदे को सीधा रास्ता पता होता है, वापस जाना हो तो, अगर ना जाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा। नायक जमील, ये बताइए कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? सबसे मुश्किल मरहला इस मुकाबले में स्पीड मार्च होता है। बिल्कुल सही कहा नायक जमील, क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन के एंड पे मैं वहां पर खुद मौजूद था और अपनी आंखों से देख रहा था कि जब टीमें स्पीड मार्च के लिए रवाना हो रही थीं तो शक्ल पे नजर आ रहा था कि मुकम्मल तौर पे हर मेंबर जो है हर टीम का वो बिल्कुल टूट चुका था। बट वेल डन। अच्छा नायक, बात से ये बताइए कि आपके जब लोकल मुकाबले हो रहे थे तो उसमें आपके कैप्टन लेफ्टिनेंट उस्मान जो थे उनकी टांग टूट गई, इंजर हो गए, कप्तान तब्दील हुए, तो कप्तान की तब्दीली की वजह से टीम के ऊपर क्या असर पड़ा, आप लोगों की कोऑर्डिनेशन पे क्या इसका असर पड़ा? टीम कैप्टन की तब्दीली पर जो है ना टीम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कराची जिंदा दिल के जो है ना मिसाल हमारे सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। किसी भी टीम का टीम कैप्टन एंड टाइम पर तब्दील हो जाने पर उसके मोराल पर और उसके परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन हमारे टीम लीडर कैप्टन मजहर, जो कि पहले भी कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, और इनके लीडरशिप पर हमें पूरा भरोसा था और ये हमारे उम्मीदों पर पूरा उतरे। इन्होंने हमें महसूस भी होने नहीं दिया कि हमारा टीम कैप्टन तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और जीत चुके हैं। वाह जी वाह, अरे बासित ने बड़ा सीरियस जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल उनके एन तवक्कोआत के मुताबिक पूरे उतरे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्या ये दौराने टोटल पैड्स में इतना ही सीरियस थे, इतना ही सीरियस आदमी है क्या ये? नहीं, ये आज अपनी नेचर से बरक्स इन्होंने जवाब दिए, इतने ये सीरियस रहते नहीं है। ये थोड़े हमारी टीम में जिस तरह आप कहते हैं कि रमीज छेड़छाड़ करता है, तो ये भी उसका भरपूर साथ देता है इस छेड़छाड़ में और टीम के माहौल में, और इसमें पूरी तंजो मजा और टीम को फ्रेश करने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अभी तो इन्होंने फ्रेश नहीं किया, अभी तो इन्होंने सुला दिया, हमें ऐसा जवाब दिया कि हम सब जो है वो थोड़े परेशान से हो गए कि किस किस्म का जवाब है। क्यों बासित इतनी सीरियसनेस, क्यों सिल्वर मेडल मिला है यार? नहीं, इतनी सीरियस तो नहीं है, लेकिन टीम में हंसी मजाक ये इस वजह से करता कि मोराल हमारा अप रहे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वैसे हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है इसकी वजह से।
अच्छा नाइक बादशाह यार ये बताओ कि जो प्यार मोहब्बत बढ़ता है मॉरल भी, इसका मिसाल तो देना आप, किस तरह बढ़ाते हैं आप? मसलन अगर फरहत के साथ अभी आपको अपनी प्यार मोहब्बत को बढ़ाना हो इस वक्त, तो किस तरह बढ़ाएंगे? इस वक्त अगर हम इसके साथ प्यार मोहब्बत जो है ना मोहब्बत बढ़ाना हो, ठीक है, अगर हम पूरी टीम किसी चीज़ पर जो है ना बातचीत कर रहे हैं या वैसे किसी काम में मशगूल है, इसको पता नहीं है और एन टाइम पर ये आ जाए और इसकी कोई बात कर ले कि सानू भी दस ना की करना है, ठीक है, तो और हालांकि वो इसके सामने हो रहा हुआ होगा लेकिन इसका जहन किसी और जगह पहुँच, कहाँ होता है इनका जहन, कुछ पता है इस पर रोशनी डालें, जहन कहाँ होता है इनका, कोई क्या पता चलते है, फौजी बंदे छुट्टी ना मिले बड़े अरसे से जो है ना बड़ी दुश्वारी से गुजर रहे हैं। सही बात है, फौजी बंदे कोई पता नहीं छुट्टी ना मिले, जहन वहां लगा हो कहीं पर। नाइक बादशाह इज वेरी वेरी नॉटी। अच्छा मजर हमें ये पता चला कि आप हॉकी प्लेयर हैं बड़े जबरदस्त, पाकिस्तान आर्मी के लिए हॉकी भी खेलते हैं, कौमी खेल है हॉकी हमारा, मगर बदकिस्मती से कौमी सतह पर उसको अब उस तरीके से नहीं सराहा जाता जिस तरह पहले सराहा जाता था, क्या कहना चाहेंगे आप स्पोर्ट्स के हवाले से और हॉकी के हवाले से? देखें फ़खर भाई, सिर्फ मैं हॉकी ही नहीं खेलता, मैं इसके अलावा आर्मी का हैंडबॉल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने आर्मी लेवल पे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन हॉकी मेरा मेन इवेंट है जिसकी वजह से आज मैं इस यूनिट में भी हूँ, क्योंकि मेरी हॉकी टीम जो यूनिट की है उसकी तारीख क्या में पाकिस्तान से पहले की जाती है, जब मेरी यूनिट एक मतलब हिंदुस्तान की जब अभी तक आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो ब्रिटिश यूनिट थी एक, तो उस टाइम पे कोहाट में जब यूनिट थी तो हमारी प्रॉपर एक यूनिट की टीम हुआ करती थी, तो जूं जूं पाकिस्तान बना तो मेरी यूनिट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान आर्मी की हॉकी में भी, लेकिन चूंकि ये एक डाउनफॉल का शिकार थी उस टाइम पे, तो फिर सीओ ने ये फैसला किया कि किसी एक टीम कैप्टन को ऐसा आना चाहिए जो कि खुद हॉकी का प्लेयर हो, तो इस वजह से मुझे चूज़ किया गया इस टीम में, इस यूनिट में लाने का मेन मकसद हॉकी था। हॉकी खेलने के बाद अभी पैट से मैंने जब आपको कुछ देर पहले ही बताया कि मैं हॉकी के कैंप में था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस दौरान ही मुझे बुलाया गया है, तो हॉकी इसके बाद भी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये एक ट्रेनिंग इवेंट है, स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग दोनों डिफरेंट तरह की फ़िज़िक मांगते हैं, दोनों की फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो हॉकी के बारे में, हॉकी मेरा लव है और ये मेरा लव बन गया है। मज़र आपके जवाब से अंदाज़ा हो गया है कि हॉकी आपका पैशन है, कौमी खेल है और हमें इस पर और तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरे भी खेल हैं दोस्तों जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। याद रहे कि चौथे बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले जो है इसकी जीतने वाली टीम जो है गोल्ड मेडलिस्ट टीम जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी कैम्ब्रियन पेट्रोल में, बरतानिया में। कैम्ब्रियन पेट्रोल दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, एक दफा फिर बताता चलूं कि कैम्ब्रियन पेट्रोल जो बरतानिया में ब्रिटिश आर्मी होस्ट करती है वो बुनियादी तौर पे फौजी मशकों का वर्ल्ड कप है, बल्कि यूं समझे फौजी मशकों की ओलंपिक्स है, 140 ममालिक से ज्यादा टीमें जो है इसमें हिस्सा लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं और पाकिस्तान ने इन मशकों में 5 दफा गोल्ड मेडल हासिल किया है, और जो भी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले जीतती है गोल्ड मेडल हासिल करती है वो टीम कैम्ब्रियन पेट्रोल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि कैप्टन मजर जो हैं वो बतौर रिजर्व जाएंगे कैम्ब्रियन पेट्रोल पे, तो आपको इस चीज की बहुत बहुत मुबारक हो मजर, थैंक यू, वेल डन ऑन द, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, ऐसा ही है, पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। नहीं इंशाल्लाह हम जो उम्मीदें कौम ने हमसे लगाई हुई हैं उन पे पूरा उतरेंगे और अपना 100% वहां पे डिस्प्ले करेंगे। 100% नहीं, हमें 200% चाहिए आपसे, हम मेडल लेना है बस, हमें वो गोल्ड मेडल दोबारा चाहिए पाकिस्तान में, इंशाल्लाह हम लेंगे नहीं हम छीन के आएंगे, ये बात, ये है स्पिरिट। दोस्तों हमारे साथ मौजूद गुजरांवाला सरफरोश सिल्वर मेडलिस्ट 4th पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले, मैंने आपकी पूरी टीम से जो है वो बाकायदगी से मुलाकात करवाई, हम आप शेरों का दलेरों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तहे दिल से। तो मैंने मजर आपसे पूछा कि कौन आपकी सबसे सुरीला मेंबर कौन सा है आपकी टीम का, सारे बदसुरे हैं सारे, चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सारे ही ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि कम कौन है बल्कि सबसे ज्यादा कौन है, चलेंगे बताएं, हम उसी से शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है सब लोग आप लोग बासित की तरफ देख रहे हैं, बासित हर कोई तेरी तरफ देख रहा है यार, कोई कुछ गुनगुना दे यार। अल बासित सुना, मुजाहिदो गाजियो जाग उठा है सारा वतन, मुजाहिदो मुजाहिदो मुजाहिदो, ला 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 ला।
क्या बात है भाई तुम्हारी, वेल डन, जबरदस्त, बेहतरीन। मजर आपसे आखिरी सवाल, जब मुकाबला खत्म हो रहा था और आप खत्म करके वापस आ रहे थे, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या आपको अंदाजा था कि आप लोग सिल्वर मेडल जीत जाएंगे? हम नताइज से बलतर होके सोच रहे थे, जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हम नताइज से बलतर होकर सोच रहे थे, हमने इस कॉम्पिटिशन से सीखना था, डिफरेंट टीम्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिली नहीं, और ये थ्रू आउट मेरी सर्विस मेरे साथ जारी रहेंगी और यही हालत मेरे टीम मेंबर्स की भी है। कंपटीशन के इख्तिताम से लेके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी तक मिली जुली फीलिंग्स थी, लेकिन दिल में ये इत्मीनान ज़रूर था कि गुजरांवाला सरफरोश किसी अच्छी जगह पर स्टैंड करेगी। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। आप लोगों का ये बूट कैंप 5 दिनों पर मुश्तमिल है। Let the fun begin. 60 hours to glory, and it's time for the super fun. इसकी थ्रिल को आपने जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना आपने एंजॉय करना। My name is मोहम्मद अब्दुल रहमान and I'm ready to take off. आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में आए सुपर फैन बन के और तमाम एडवेंचर्स को करीब से देखने का और करने का मौका हासिल करें। इस वक्त हम खानपुर डैम में मौजूद है, जहां पर हम पैरा सेलिंग करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, बोटिंग भी करेंगे और जेट स्कीइंग भी करेंगे। लैंडिंग किसने एंजॉय की पैरा सेलिंग की पानी के अंदर? वेल डन, वेल डन। Everyone should try this. This is the most beautiful part of nature. पैराग्लाइडिंग के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। वी ग्रेजुएटेड फाइनली। आप भी बन सकते हैं हमारे सुपर फैन, हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस शानदार एडवेंचर में, और ये तमाम चीजें, ग्लाइडिंग, जेट स्कीज, स्विमिंग, सब कुछ आपके लिए। सो व्हाट 60 आवर्स ऑफ ग्लोरी, हमारे सवाल का सही जवाब दीजिए, सुपर फैन बनिए और हमें आकर यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। मज़हर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सब शेरों का, दिलेरों का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। इस कौम के लिए जो खिदमात आप देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सिल्वर मेडल आप लोगों ने हासिल किया, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहेंगी, क्योंकि आपकी कामयाबी में हमारे पूरे वतन की कामयाबी है। दोस्तों, चौथे बैन अल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के सिल्वर मेडलिस्ट गुजरांवाला सरफरोश से आपकी मुलाकात करवाई। अगले एडिशन में आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मुल्तान चार्जिंग बुल से। अपने पैगामात सोशल मीडिया के थ्रू हमें भेजते रहिए, अपनी टीमों को पैगामात भेजते रहिए मुबारकबाद के, खास तौर पे इनकरेज करने के लिए, ताकि आने वाले मुकाबलों में ये बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे थे 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो। अपना ख्याल रखिएगा, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज वेलकम गोल्ड मेडलिस्ट मुल्तान चार्जिंग बुल्स। बड़ी हिस्ट्री है मुल्तान चार्जिंग बुल्स की। हवलदार अमीन, ये बताइए कि जब आपने इन मुकाबलों की तैयारियां शुरू की तो कोई ऐसी चीजें होती थी, लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल होगा, ये नहीं कर पाएंगे? सर, हमने तैयारी ऐसी की हुई थी, हमें कोई भी मुश्किल चीज आसान नजर आती थी। कि जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तो आपकी क्या रूटीन होती थी? बेहतरीन नाश्ता हमारी पहली मोटिवेशन होती थी। अरे वाह, मेरी भी डेली की होती है। ये है जीतने का राज। आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपनी सफर की राह में पत्थर तलाश कर। चार्जिंग बुल मोटो जो है वो हमारे दुश्मन भी जानते हैं। अबू सईद, सबसे ज्यादा किससे तंग थे तुम टीम में? तुमसे तंग थे जी, गोया तुम थे वो। जब हेड आउट में हमें अमुनिशन बॉक्स मिले तो ये ऐसे भागे कि सबको पीछे छोड़ दिया।
क्या बात है, तो बड़ा जबरदस्त अनमोल मोती है आपकी टीम का। गपशप में अच्छा वक्त गुजरता था, कोई बात होती थी और उसके बारे में उसको मजाक बना लेते थे नाम वगैरह का। क्या नाम रखा था, किसका नाम सबसे अच्छा लगता है आपको? पर चलो कोई बाद में मुझे बता देना। हुज़ैफ़ा, आपके हवाले से बहुत सारी ख़वातीन ने ये पूछा है कि क्या आपकी शादी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। राइट नाउ आई एम जस्ट 20, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अनमैरिड, तो इंशाल्लाह विद द टाइम जैसे ही मतलब एज होगी तो आई विल डू इट। ये बताएं कि जब जीत के वापस गए तो यूनिट में किस किस्म की रिसेप्शन मिली आपको? आवर टीम मैनेजर और हमारे सीईओ जो थे दे वर वेटिंग फॉर अस। सबसे पहले उन्होंने गले लगाया, सारी टीम को मिले। हमारे यूनिट का जो कैंट का गेट है वहीं पे हमारी यूनिट खड़ी थी, पूरी यूनिट हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। दे टुक अस टू द यूनिट, यूनिट में हमारे जो जीओसी थे, हमारे ब्रिगेड कमांडर, ऑल द ऑफिसर दे वर स्टैंडिंग देयर फूलों के साथ। पूरी यूनिट बिल्कुल जैसे वलीमे को या फिर बारात पे होती है ऐसे खड़ी थी, हमारा इंतजार कर रही थी, फूल फेंक रहे थे। 60 hours to glory.